पता होना चाहिए कि आने वाली 20 मार्च 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर हमारे पूरे देश का किसान लामबद्ध होकर के आएगा कि सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था किसानों के साथ एमएसपी फसल खरीद गारंटी का कानून लागू किया जाएगा, उस पर कमेटी बनाई जाएगी और भी भिन्न भिन्न तरह के हमारे से वायदे लिखित में किए गए उन सभी वायदों से सरकार मुकर चुकी है। अतुल्य बुजुर्ग किसान योद्धाओं, सबको मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं सबसे ज्यादा हमारी भजन मंडली है जो, इनका तय दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे सभी भजन मंडली के साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दी जाए कि जो इनकी ये गड़बे की थाप है, बेंजू की जो तार का झनकार है ना, वो कोई ये ना समझो कि भाई हमारे यहाँ नहीं है। उनकी थाप खट्टर की दिलों की धड़कन को चंडीगढ़ में बजाने तेज करने का काम करती है। इनको मैं दिल से सैल्यूट करना चाहता हूँ निस्वार्थ भाव से। 323वां दिन हमारे धरने का आज यहाँ नरवाना कोर्ट में है। सबसे ज्यादा इन साथियों के सहयोग से हम बैठे हुए हैं, ये निस्वार्थ भाव से लगातार काम कर रहे हैं। भजन के माध्यम से मैं सुन रहा हूँ हमारे बहुत सारे बुजुर्ग किसानों के द्वारा भजन के माध्यम से, रागनी के माध्यम से वो बातें कही जाती हैं जो एक पढ़े लिखा लेक्चरर प्रोफेसर भी नहीं कह सकता। इस तरह का लयबद्ध हरियाणवी लहजे में जो हमारे साथी यहाँ प्रचार दिन प्रतिदिन करते हैं, इनको बारंबार सलूट है मेरी तरफ से। और मैं पहले आप लोगों को बता कि जो मीटिंग हमारी नरवाना जाट सदन या जाट धर्मशाला के अंदर थी, उसमें समीक्षाएं की गई। 26 जनवरी की जो रैली रखी गई थी वो मेरे जीवन के इतिहास की सबसे बड़ी रैली अपने हरियाणा प्रदेश के अंदर हुई। इस बात के लिए आप सबका मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि जो हरियाणा एसकेएम की तरफ से पूरे देश के एसकेएम से एक रैली का आह्वान जो जींद के अंदर किया गया था, उसमें आप लोगों ने दिल से काम किया, लाखों की संख्या में अनाज मंडी पहुंचने का काम किया। उसके बाद आज मेरे को यहाँ आने का मौका मिला, इसलिए मैं आप सब साथियों का हरियाणा के भिन्न भिन्न जिलों के अलावा जो जींद जिले और नरवाना उचाणा तहसील जो पूरा जींद का इलाका हमारा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, आप लोगों ने दूध दही लस्सी का जो रिकॉर्ड आप लोगों के द्वारा कायम किया गया वो पूरे उत्तरी भारत के किसान नेताओं की तरफ से आपकी सराहना हुई, इस बात के लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। और जो आगामी प्रोग्राम है हमारे वो कल मीटिंग में निर्णय लिए गए, वो सब साथियों को आपको पता होना चाहिए कि आने वाली 20 मार्च 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर हमारे पूरे देश का किसान लामबद्ध होकर के आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आज से साल वर्ष पूर्व केंद्र की सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था किसानों के साथ एमएसपी फसल खरीद गारंटी का कानून लागू किया जाएगा, उस पर कमेटी बनाई जाएगी और भी भिन्न भिन्न तरह के हमारे से वायदे लिखित में किए गए उन सभी वायदों से सरकार मुकर चुकी है। और उन वादों को, वादा खिलाफी को याद दिलाने के लिए पूरा देश का किसान दिल्ली के पहले बॉर्डरों पर था, अब दिल्ली के अंदर घुसने का काम करेगा। 20 मार्च को इस कड़ी के माध्यम से हम पूरे हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में ज्यादा गहनता से गांव-गांव में गली-गली में घर-घर में 20 तारीख का प्रचार करने का काम करेंगे। ये हमारा कल का निर्णय था, उसमें सभी संगठनों के लोग हिस्सेदारी ली पहुंचे और उसमें दो चार अहम बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। हमारी माता बहनों के ऊपर भी अत्याचार लगातार जारी है। जो सरकार नारा देकर के आई थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने का काम करने वाली सरकार, हमारी जो होनहार कोच खिलाड़ियों के ऊपर कोई आम व्यक्ति के द्वारा नहीं, जो हमारे शिक्षा विभाग के जो हमारे कोच हैं, खेल विभाग के मंत्री संदीप सिंह के द्वारा हमारी जूनियर कोच के ऊपर यौन शोषण के एफआईआर दर्ज है, उसके बाद भी हरियाणा का मुख्यमंत्री अपने मंत्री का खुले दिल से साथ दे रहा है,
कह रहा है कि वो भूल गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके ये सत्ता हथियाने का काम उन्होंने किया था। जब सत्ता पिछोड़े लग जाती है साथियों, वो भूल जाते हैं बेटी को, भूल जाते हैं अपनी माता बहनों को। किस तरह से भूल गए? हमारी माता बहनें जो स्कूल के अंदर मिड डे मील का काम करती हैं, भोजन बनाने का काम करती हैं, आशा वर्कर बहनें, और हमारी जो ये ANM DNM बहनें, उन सबको इस केंद्र की सरकार के अलावा हरियाणा की सरकार के द्वारा बालों से खींच करके, और एक हमारी बहन हमारी बेटी जो सोनिया धून, सोनिया धून एक ही बात है, धून के लिए धून गोत वही है, सोनिया धून जो खेल मंत्री का विरोध करने के इस बात के लिए पेहवा में गई थी कि तिरंगा मत फहराइए, आप बलात्कारी हैं, जब आपके ऊपर FIR है आप इस तिरंगे का हाथ नहीं लगा सकते, उसको उनके गुंडों के द्वारा घसीटने का जो काम किया वो आप सब लोगों ने देखा, और हमारी बेटी हमारी बहन के ऊपर सरकार के द्वारा प्रताड़नाएं जारी हैं। जो सरकार कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, आज सबसे ज्यादा अगर हरियाणा के अंदर देखा जाए तो बेटियों के ऊपर माता बहनों के ऊपर बलात्कार सबसे ज्यादा ग्राफ हरियाणा का है। वो कौन लोग हैं? वो जो सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग, वो हमारी माता बहनों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। इस बात को लेकर के भी कल भी हमारी बहन हमारे धरने पर यहाँ आई थी, मुझे पता है, और वो हमारी मीटिंग के अंदर भी अनुरोध करके गई। हमने उनको आश्वासन दिया कि आने वाली 12 तारीख को जो जींद में एक रैली के रूप में जो महिलाओं का मान सम्मान की आवाज उठाने वाली बहन को पूरा जींद का इलाका ही नहीं पूरे हरियाणा का किसान का मेरा वर्ग शामिल होगा उसमें, इस तरह से आश्वासन दिया गया। और एक मैं बात आप सब साथियों से साझा करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि जो हरियाणा प्रदेश की ग्राम पंचायतें हैं, इस खट्टर सरकार की सोच छोटी नहीं है किसान साथियों। मैं इस मंच के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से सभी द्वारे सभी रेलगाड़ियां सभी बसें सभी प्राइवेट व्हीकल आंट दिए गए, लिख दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक ही कलम से 4813 स्कूल बेटियों के जो थे हमारे बुजुर्गों के द्वारा 10-10 रुपए इकट्ठा कर करके बढ़ाए गए थे, उनको एक क्रम से बंद करने का काम किया। आज पूछना चाहता हूं कि जो हमारे JBT के सेंटर थे वो कहां है? एक भी JBT के सेंटर के अंदर हमारे नौजवान बच्चों का दाखिला नहीं है। सबका साथ सबका रोजगार देने वाली सरकार, 2 करोड़ रोजगार देने का नाम करने वाली सरकार, मैं पूछना चाहता हूं कोरोना काल का नाम लेकर के 2 करोड़ रोजगार देने की बजाय कई करोड़ लोगों को बेरोजगार करने का काम करने वाली ये सरकार। वृद्धा पेंशन पर जो बोलता था मुख्यमंत्री के डिप्टी मुख्यमंत्री 5100 रुपए करेंगे हमारे बुजुर्गों से, एक लालच दे करके कि 2000-1500 रुपए की तनख्वाह को अगर मेरे को वोट देंगे तो मैं 5100 रुपए काम करूंगा, और जो बजट में 250 रुपए बताए गए तो पत्रकार साथी जब पूछते हैं डिप्टी CM से कि आपने वादा किया था कि 5100 रुपए देंगे, वो मुंह लटकाए खड़ा है, उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते, कहता है कि कुछ तो मिला, क्या भीख में मांग रहे थे? आप लोगों ने वादा किया था, घोषणा पत्र में किया था,